नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको हरियाणा के आखिरी विधानसभा मंडी डबवाली से दे रहे हैं, जहां पर डबवाली से सटे पंजाब क्षेत्र से एक पुलिसकर्मी है, वो कोरोना का पॉजिटिव केस वहां पर पाया गया है। तो अब महज पंजाब यानी कि डबवाली से कुछ ही मीटर की दूरी पर डबवाली के साथ सटे मंडी किलावाली के इलाके में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने से कहीं ना कहीं अब डबवाली में भी एक संशय का माहौल है और लोग अलग अलग तरीके से क्यास लगा रहे हैं कि क्या वाकई में ही डबवाली में इस तरीके से कोरोना का पॉजिटिव मरीज एक और मिला है। तो हम आपको क्लियर करते हैं कि डबवाली से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि डबवाली से कुछ ही मीटर की दूरी, क्योंकि डबवाली एक ऐसा शहर है जिसमें एक कदम रखते ही हरियाणा यानी डबवाली शुरू हो जाता है और दूसरे ही कदम दूसरी ही गली में प्रवेश करते ही वहाँ पर पंजाब का बॉर्डर एरिया शुरू हो जाता है। ऐसा डबवाली के कई घरों में ऐसी स्थिति है जहाँ पर एक दरवाज़ा पंजाब में है तो दूसरा दरवाज़ा हरियाणा में खुलता है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के पड़ोसी राज्य श्री मुक्तसर साहिब से 15 जो पॉजिटिव मरीज सामने मिलने के बाद अब मंडी से भी जो पुलिसकर्मी है एक ऐसा ही है वो वहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले, तो अब डबवाली के किलावाली की जो मंडी है उसके दशमेश नगर की गली को पूर्ण तरीके से सील किया गया है। उसको कंटेनमेंट जोन बनाते हुए वहाँ पर उस गली को सील करते हुए पंजाब पुलिस की तरफ से वहाँ पर कड़ा पहरा दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको साथ साथ वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अब डबवाली में कुछ ही मीटर की दूरी पर कोरोना है, यानी ऐसे में डबवाली शहर में एक तरह से हड़कंप की स्थिति है। लेकिन हम आपको क्लियर करना चाहते हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पंजाब से जुड़ा मामला है। लेकिन ये सरदर्दी जरूर है कि हम पंजाब के साथ इस तरीके से रहते हैं कि कुछ ही दूरी पर कुछ ही मीटर फासला तय करते ही पंजाब शुरू हो जाता है। लेकिन उसी गली में थानेदार शहर से बिल्कुल सटी हुई गली थानेदार साहब की है। फिलहाल थानेदार की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी या फिर वो कोरोना पॉजिटिव के संपर्कों में कब आया था, इस बात को लेकर भी अब गहनता से पंजाब है वो जांच कर रहा है। लेकिन डबवाली में संकट के बादल जरूर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खड़े हुए हैं। लोग इस बात में असमंजस की स्थिति में हैं। बहुत सारे कॉल्स हमारे पास भी आ रहे थे कि क्या वाकई में डबवाली में इस तरीके के मामले आए हैं, और इस तरीके की खबरें पब्लिश होने के बाद ये भी माहौल बना कि क्या वाकई में दो मरीज जिस तरीके से हजूर साहब से पहुंचे तो उनके बाद अब 15-11 डबवाली में और मरीज मिले हैं। तो फिलहाल इन मरीजों का डबवाली से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये सब लोग पंजाब के रहने वाले, जिसमें चन्नू गांव को भी सील किया गया है। इसके अलावा श्री मुक्तसर साहब से अलग अलग जगहों से कुल 15 केसेज आए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनमें कुछ मजदूर भी हैं जो राजस्थान से मजदूरी करके घर लौटे थे और दिहाड़ी करने वहाँ गए थे, तो वो भी पॉजिटिव मिलने से श्री मुक्तसर साहब के कोविड जो हॉस्पिटल में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। और गांव चन्नू को भी सील कर दिया गया है, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि गांव चन्नू में राजस्थान से आए यही दिहाड़ीदार जो कि करीब 34 लोगों को वहां पे विद्यालय में क्वारंटाइन किया गया है। तो ये डबवाली गांव चन्नू से काफ़ी लोगों का डबवाली में आना जाना रहता है, आवागमन उनका बड़ी संख्या में रहता है, और इस बारे में जो पंजाब स्थिति स्पष्ट करेगा कि क्या उन लोगों का कोई ऐसी हिस्ट्री भी है उन लोगों की कि वो डबवाली में प्रवेश किया हो, हरियाणा में उन्होंने प्रवेश किया हो। लेकिन जिस तरीके से मंगलवार को डबवाली के पड़ोसी जिला मुक्तसर साहिब की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर 15 लोग पॉजिटिव मिले थे, एक तरीके से विस्फोट हुआ था पंजाब में इस कोरोना का, और इन कुल 15 लोगों में 3 पुलिसकर्मी भी है जो पॉजिटिव पाए गए थे, 2 ASI हैं और 1 सिटी थाना मलोट में कार्यरत हैं। इनमें से एक मंडी किलावाली के दशमेश नगर का निवासी है। तो फिलहाल डबवाली में अभी तक कुल 2 ही कोरोना के पॉजिटिव केस है वो पाए गए थे, जो कि नदेड़ साहब से हजूर साहब से पहुंचे थे, जिन लोगों को कोविड हॉस्पिटल सिरसा में एडमिट करवाया गया है, और अब सबको इंतज़ार है उनकी भी दोबारा से जो दूसरी रिपोर्ट के आने का। इसके अलावा उनके साथ 16 लोग और थे जो भी अभी तक अंडर क्वारंटाइन यानी कि वो डबवाली के ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय के अंदर उनको रखा गया है। तो फिलहाल डबवाली के लिए कहीं ना कहीं चिंता इस बात की ज़रूर है कि डबवाली के पड़ोसी राज्य की हम पंजाब की बात कर रहे हैं, पड़ोसी सूबे की हम जिला मुक्तसर साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन दूर और तो और छोड़िए, आप डबवाली के साथ ही बिल्कुल कुछ मीटर की दूरी पर ही दशमेश नगर आ जाता है। अब बात कर लेते हैं किलावाली मंडी, साथ ही सटा हुआ है, लेकिन हम आपको क्लियर कर देते हैं कि डबवाली में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स और लोग इस बात को वायरल कर रहे थे कि क्या डबवाली सिटी में इस तरीके के केस पाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैनिक क्रिएट ना करें, अफवाहों से बचें, और अथेंटिकेट खबरों के लिए तेज हरियाणा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख पा रहे हैं पेज को फॉलो करें, लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करना आप ना भूलें।
कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा डबल।